स्टूडेंट्स बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए इसमें हिंदी का एक मैंने चैप्टर उठाया है आपका चिन्ह को लेकर। ये इसमें से एक क्वेश्चन जो है उम्मीद है कि आपका बन सकता है, क्योंकि चिन्ह पहचानने में कुछ चिन्ह तो आप अच्छे से पहचान लेते हो लेकिन कुछ चिन्ह के नाम आपको नहीं पता होते या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए पहला है आपका पूर्ण विराम, पूर्ण विराम या विराम, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे करके। कैसे बनाते हैं? ऐसे करके। पूरा जब हम लोग बात को अपनी खत्म करते हैं तो पूरी ऐसे करके खींच लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है अल्प विराम और अर्ध विराम में। पूछो आप तो बच्चे इतना गलत आंसर मारते हैं इसका। आप ऑनलाइन सेट वगैरह लगाते होगे तो इसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती होगी। तो अल्प मतलब होता है कि थोड़ा, बहुत थोड़ा, तो हम लोग थोड़ा सा ही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। क्या? थोड़ा सा, ऐसे करके। अब अर्ध विराम मतलब थोड़ा सा रुकना, मतलब अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुकना और अर्ध विराम मतलब होता है आधा रुकना। तो ये विराम यहां पे आपको बहुत हल्का सा पॉज लेना है लेकिन यहां पे अर्ध विराम में थोड़ा सा ज्यादा रुकना है आपको। तो अर्ध विराम होता है आपका ये, यहां पे आपकी बिंदी लगेगी और फिर ऐसे करके, ठीक है। ये जो आपका है केवल ऐसे रहेगा, बस इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है और काफी पूछा जाता है। लोग अल्प विराम को ये लगा के आ जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे बनेगा आपका? ऐसे छोटा सा, ठीक है। किसी चीज को आपको दिखाना है, छोटा सा लगा दिया। जैसे आपका द्वंद्व समाज जो है, राम और सीता आपको लिखना है, राम और सीता, तो ये लगा दिया जाता है। निर्देशक, निर्देशक जो है वो बहुत लोग को पता नहीं है, तो निर्देशक थोड़ा सा बड़ा लगाया जाता है किसी चीज को शो करने के लिए। हेडिंग वेडिंग डालने के बाद जो है वो लगाया जाता है ये निर्देशक। और तीसरा देखते हैं, देखिए हंस पद, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हंस पद जो है इसको त्रुटि वाला भी कहा जाता है, त्रुटि चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कि हमने लिख दिया कि राम पतंग उड़ाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि राम पतंग उड़ाई, हम इसको ऐसे शो कर देंगे ऐसे करके। राम ने पतंग उड़ाई, क्या हो जाएगा? राम ने पतंग उड़ाई। तो ये कैसे बनेगा आपका? ये ऐसे करके बनता है, ऐसे करके आपको शो करना पड़ेगा, इसको हंस पद बोलते हैं। लागव चिन्ह देखिए क्या होता है, ये ऐसे करके बनते हैं, ठीक है। लागव चिन्ह जो है वो आपका सर्कल टाइप का बनता है। जैसे डॉक्टर वगैरह में अगर आपको लिखना है तो आप लागव चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपको लिखना है तो डॉक्टर और फिर ये ऐसे करके। और ये सब कुछ जो है वो आपके किस पे रहेंगे? ब्रैकेट में रहते हैं, ऐसे करके। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट में आप लगा सकते हो, अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? तो लोप चिन्ह होता है आपका ऐसे करके, ठीक है। इसको ही बोलते हैं लोप चिन्ह, थोड़ा सा डैश डैश आप दे दीजिए, ठीक है। लोप चिन्ह इसको बोलते हैं ऐसे करके, ये आपका डैश डैश। जैसे कि आपने इत्यादि लिखना है फिर आपने डैश दे दिया इस टाइप से। अब सूचना चिन्ह जो है वो थोड़ा सा नया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि जो है वो इसका आंसर क्या होगा। और जो लोग कमेंट करेंगे और जिनका सही होगा तो मैं अगले हिंदी की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उनका नाम भी लूंगा और इसका राइट आंसर भी बताऊंगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ये सूचना चिन्ह जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सर्च करिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको आंसर इसमें लिखना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।